हेलो एवरीवन, सो टुडे विल बी डिस्कसिंग क्वेश्चन नंबर 658 ऑफ लीट कोड विच इज़ फाइंड के क्लोजेस्ट एलिमेंट्स। तो यार जो वीडियो है ना, ये मेरी बाइनरी सर्च प्लेलिस्ट का पार्ट है। उस प्लेलिस्ट में मैंने सबसे पहले दो वीडियोस में मैंने पूरा बाइनरी सर्च का इंट्यूशन और एक टेम्पलेट सोल्यूशन डिस्कस कर रखा है। तो आई सजेस्ट, अगर आप इस वीडियो में डायरेक्टली आ रहे हो तो वो दो वीडियोज़ अच्छे से ध्यान से देख लो। वो दो वीडियोज़ आपको ये क्वेश्चन समझने में बहुत हेल्प करेंगे, और उन्हीं दो वीडियोज़ और वो टेम्पलेट सोल्यूशन की हेल्प से मैंने बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं बाइनरी सर्च के ही, और करूँगा भी आगे, है ना। तो अभी बहुत सारे क्वेश्चंस करूँगा मैं इसके बाद भी, हार्ड प्रॉब्लम करूँगा। अभी तो ये तो मीडियम है, बट ये काफ़ी ट्रिकी प्रॉब्लम है, तो उसको ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ, है ना। तो समझ लेते हैं पहले क्वेश्चन क्या है। तो ये क्वेश्चन क्या है, इसमें हमको ना एक एरे दे रखा है, ठीक है, 1 2 3 4 5, और हमारा एक एक्स दे रखा है, इसको हम टारगेट बोल देते हैं। एक्स हमारा 3 है और के हमको 4 है। हमको ना 3, ये जो 3 है ना, अब ये जो 3 है, हो सकता है ये एरे में प्रेजेंट हो या ना हो, ज़रूरी नहीं है, अभी तो है तो यहीं देख लेते हैं। अब हमको 3 से 4 क्लोजेस्ट एलिमेंट्स निकालने हैं, ठीक है। एंड व्हाट डू यू मीन बाय क्लोज एलिमेंट्स? तो यहाँ पे ये इन्हें कंडीशन दे रखी है कि ए इज क्लोजर टू एक्स देन बी, इफ, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो। कैसे कि मान के चलो मेरे पास 6 है और यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 9 है, विच इज़ क्लोजर टू 6, 5, राइट। तो यहाँ पे ना क्लोज हमने एक मॉड्यूलस इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे इनको मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस मैटर करता है, डायरेक्शन नहीं, इसलिए उन्होंने मॉड्यूलस ले लिया है कि 5 कहीं भी हो सकता है, 5 कहीं भी हो सकता है। मतलब यहाँ पे अगर 7 हो, विच इज़ क्लोजर टू 6, 7 इज़ क्लोजर टू 6 देन 9, राइट। तो यहाँ पे इसलिए उन्होंने मॉड ले रखा है। एक कंडीशन और बोली उन्होंने, ये सेकेंड वाली, ये सेकेंड वाली कंडीशन क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ए माइनस एक्स इज इक्वल टू बी माइनस एक्स मॉड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर मान के चलो मेरे पास एक ऐसा ऐसी कंडीशन आ गई कि 6 और यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 8 है, ठीक है, ये मेरा ए है और ये मेरा बी है। अब इन दोनों में से क्लोज़र कौन सा हुआ? क्लोज़र होगा ये वाला, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो मॉड है वो 2 आएगा ना डिफरेंस का, दोनों में 2 आएगा, दोनों सेम है, लेकिन ए छोटा है बी से, ए छोटा है बी से, इसलिए उनने बोल दिया है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, इफ नहीं एंड एंड ए इज लेस देन बी, ये उनने लिखा हुआ है, मैंने मिस कर दिया, सॉरी। ये कंडीशन अगर ट्रू है, ए लेस देन बी है एंड ए माइनस एक्स इज इक्वल टू बी माइनस एक्स है, तो ए क्लोजर है बी से, है ना, टूवर्ड्स एक्स। मतलब हम यहाँ पे कंपैरिजन एक्स से कर रहे हैं, हमारा जो भी एक्स है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको करने के बहुत तरीके हैं, ये स्लाइडिंग विंडो से भी हो जाएगा, ये तुम्हारा टू पॉइंटर से भी हो जाएगा, हीप से भी हो जाएगा। तो इसको वन ऑफ द तरीका जो हम अभी इतने देर से बाइनरी सर्च के प्रॉब्लम्स कर रहे हैं, तो इसको बाइनरी सर्च से ही करने का ट्राई करते हैं। और ये एक तो सॉर्टेड एरे है, सॉर्टेड एरे में सबसे पहले हमको क्लिक बाइनरी सर्च ही होता है। तो आई सजेस्ट कि आप बाइनरी सर्च एक अप्रोच सोच सकते हो, इसको टैगल करने के काफ़ी तरीके हैं, बट क्योंकि सॉर्टेड एरे है तो आपके दिमाग में पहले बाइनरी सर्च आ सकता है और आपको सर्च करना है, फाइंड करना है, तो इट मेक्स मोर सेंस, है ना, है ना। तो यहाँ पे बिफोर जंपिंग टूवर्ड्स द सोल्यूशन, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ये देख रहे हैं। अभी हमको इसका आंसर पता नहीं है क्या है, इसका आंसर तुम लोग बताओ कि क्या होना चाहिए, 2 3 4 5 या 1 2 3 4, तुम ही बताओ यहाँ पे क्या होना चाहिए। कि अगर मेरे पास 3 है, ठीक है, 3 तो क्लोजेस्ट है ही, अब उसके बाद मैंने देखा 2 और 4, अभी मेरे कितने टोटल एलिमेंट हो गए, 3 एलिमेंट हो चुके हैं, ये दोनों तो आने ही आने हैं एरे में। अब मेरे पास ऑप्शन एक चूज़ करने का, या तो मैं 1 चूज़ करूँ या तो मैं 5 चूज़ करूँ, ठीक है, तो मैं क्या चूज़ करूँगा? अभी देखो ये सेकंड कंडीशन वापस आ गई कि ए चूज़ करूँ कि बी चूज़ करूँ, यहाँ पे डिफरेंस तो 2 है, है ना, डिफरेंस 2 है यहाँ पे, यहाँ पे डिफरेंस 1 था, बट मेरे को यहाँ पे दोनों चूज़ करने थे तो मैंने दोनों चूज़ कर लिए। अब बट यहाँ पे मैं एक ही चूज़ कर सकता हूँ ना, एक ही चूज़ इसलिए कर सकता हूँ कि मैंने 3 चूज़ कर चुका हूँ, और मेरे को एक और चूज़ करना है क्योंकि के 4 है, मेरे को 4 एलिमेंट्स देना है।
तो मैं वन चूज करूँ कि फाइव चूज करूँ? आई विल चूज वन. क्यों? क्योंकि ये कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, ए लेस देन बी. अगर मेरे पास ऐसा ऑप्शन आए तो मैं छोटा वाला ही चूज करूँगा क्योंकि यही उन्होंने बोला, ए लेस देन बी. तो मेरा जो आंसर होगा ना वो ये होगा, नॉट दिस, ये. तो ये बहुत ध्यान से सुनना कि ये कैसे आया आंसर, है ना, ये मैंने कैसे डेवलप किया, क्योंकि इसी के बेसिस पे मेरा सोल्यूशन बनेगा, मेरा इंट्यूशन इसी से बिल्ड होगा. तो अगर तुमको समझ में आया हो कि मैंने वन और फाइव में से वन चूज़ किया ना, क्योंकि मेरे को ए लेस देन बी चूज़ करना है, या तो मेरे पास ये वाला एरे होता उसमें फाइव होता, या तो ये वाला एरे होता इसमें वन होता. सिंस दोनों का डिस्टेंस थ्री से सेम है, बट आई चूज द वन विथ स्मॉलर वैल्यू, है ना, ए स्मॉल होना चाहिए. सिंपल सी बात, एज सिंपल इज दैट. ठीक है, तो ये चीज़ तुमको समझ में आ गई. अब हम अपना इंट्यूशन डेवलप कर दें कि हमको क्या करना है. ठीक है, तो एग्जांपल देखते हैं. तो वाला जो एग्जांपल है ना, ये थोड़ा बड़ा वाला एग्जांपल है. ये हम यहाँ पे छोटे एग्जांपल से शुरू करते हैं, है ना, समझने के लिए कि हम कर क्या रहे हैं. तो यहाँ पे मेरे पास अगर k 4 है और x 13 है, जैसे कि पिछले एग्जांपल में बिल्कुल वैसे ही है. हमने क्या किया, एक बेसिक से समझते कि क्या करना चाह रहे हैं हम यहाँ पे, कि हमको चार एलिमेंट्स चाहिए. ठीक है, तो चार एलिमेंट्स या तो ये हो सकते हैं, चार एलिमेंट्स या तो ये हो सकते हैं, है ना. और एक चीज़ और, चूंकि ये सॉर्टेड एरे है ना, तो जो हमारा आउटपुट होगा ना वो एक कंटिन्यूस एरे होगा, एक सब एरे होगा, सब एरे, है ना, मतलब वो कंटिन्यूस होगा, वो ऐसा ब्रेक नहीं होगा, रैंडम नंबर कहीं से नहीं आ जाएगा, ये कंटिन्यूटी रहेगी एक एरे में, क्योंकि ये सॉर्टेड एरे है, वो एक पैटर्न फॉलो कर रहा है. अब यहाँ पे मेरे पास दो ऑप्शन है, एक तो या तो ये ले लूँ या तो ये ले लूँ. इस केस में ये दोनों एलिमेंट्स तो कॉमन है ना, ये वाले और 13 तो है ही कॉमन. ये तीनों के तीनों एलिमेंट्स दोनों आंसर में आएंगे, बस हमको चूज़ करना है 11 या 15. अब यहाँ पे 11 और 15 में क्यों चूज़ कर रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो डिफरेंस है ना वो 2 है, है ना. तो मैं क्या कर रहा हूँ, अगर मेरे को चार एलिमेंट्स चाहिए हैं, मेरे को चार एलिमेंट्स चाहिए हैं, तो मैं एक विंडो बना लेता हूँ k प्लस 1 की. अगर मेरे को k की k साइज़ का एरे चाहिए तो मैं k प्लस 1 का विंडो बना लेता हूँ. ठीक है, उसमें क्या कर रहा हूँ मैं, फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट को मैं डिसाइड करूँगा कि ये होना चाहिए कि नहीं हमारे आउटपुट एरे में. मतलब अगर मेरे पास ये 11 ले लिया मैंने, तो 11, 12, 13, 14 या और मैं इसको डिस्कार्ड कर दूंगा. लेकिन अगर मैंने 15 ले लिया तो 12, 13, 14, 15 ये मेरा आ जाएगा और मैं इसको डिस्कार्ड कर दूंगा. तो मेरे पास चॉइस क्या है ना, ये इस एलिमेंट की, इस एलिमेंट को मेरे को डिसाइड करना है, मतलब इस एलिमेंट को रखना है कि नहीं आउटपुट एरे में, ये मेरे को डिसाइड करना है. ठीक है, तो अगर मेरे पास यहाँ पे सपोज मेरा आइटरेटर आई है, तो ये क्या हो जाएगा, आई प्लस के. ठीक है, आई प्लस के और आई, और मान के चलो ये मेरा एक्स है, समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ. अब अगर ये दोनों डिस्टेंस, अब ये इस डिस्टेंस को निकालूँ इस केस में, मैं समझ रहा हूँ मैं क्या कह रहा हूँ, अगर मैं इस डिस्टेंस को निकालूँ, और यहाँ तो इक्वल है वो, यहाँ तो इक्वल है, इसलिए मैंने 11 को चूज़ किया, है ना. अब अगर ये मान के चलो एलिमेंट होता 11 की जगह ये होता एलिमेंट 8, ठीक है. अब इन दोनों में से क्लोज़र कौन है, 8 क्लोज़र है कि 15 क्लोज़र है? ऑब्वियसली 15 क्लोज़र है ना, तो ये तो मैं नहीं, ये तो मैं डिस्कार्ड कर दूंगा, है ना, मैं 15 रख लूँगा. ये मैंने कैसे डिसाइड किया, ये मैंने ऐसे डिसाइड किया कि x किसके क्लोज़र है, i के क्लोज़र है कि i प्लस k के क्लोज़र है. अब अगर मान के चलो यहाँ पे 15 की जगह मैं कर दूँ 23, अब यहाँ पे तो डिफरेंस हो गया 10, और यहाँ पे डिफरेंस क्या है 5, अब क्या क्लोज़र है, तो ये क्लोज़र है, तो मेरा आउटपुट में क्या आ जाएगा, 8. समझ रहे हो, इन्हें छोटा सा एग्जांपल ले रखा है मैंने यहाँ पे. और ये जो एक्स है ना, इन दोनों के बीच में होना चाहिए, है ना, इन दोनों के बीच में है इस केस में, क्योंकि 13 अवेलेबल है. अगर 13 अवेलेबल नहीं होगा तो ज़रूरी नहीं है. तो यहाँ पे
ये इस पे कंफ्यूज मत हो, तुम सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान में ये रखो कि एक्स आई के क्लोज होना चाहिए और आई प्लस के दूर होना चाहिए अगर मैं एट को रख रहा हूँ, है ना। तो जो क्लोजर होगा उसको पास में रखूँगा। और ये तीन एलिमेंट्स तो फिक्स्ड हैं यार, ये तीन एलिमेंट्स तो फिक्स्ड हैं, ये तो आएंगे ही आएंगे क्योंकि मेरे को के एलिमेंट्स तो चाहिए ही ना। बस मेरे को वो एक एक्स्ट्रा एलिमेंट को ढूंढने के लिए जो मेहनत करनी है वही करनी है, क्योंकि बाकी के जो तीन एलिमेंट्स हैं वो तो फिक्स्ड हैं मेरे। ये छोटा एग्जांपल था, अब इसको मैं बड़े एग्जांपल में देखता हूँ वहाँ पे कैसे हैंडल करूँगा, है ना। छोटे एग्जांपल में समझ में आया कि तुमने मैन्युअली कैसे किया, तुमने सेलेक्ट किया आखिरी के दो एलिमेंट्स, फर्स्ट एलिमेंट्स सॉरी आखिरी के दो नहीं, फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट को तुमने डिसाइड किया कि रखना है कि नहीं आउटपुट एरे में। बीच के तीन एलिमेंट्स तो फिक्स्ड हैं, ठीक है। तो उसको मिटा के हम बड़े एलिमेंट्स में देखते हैं अब, ठीक है। तो एग्जांपल शुरू करने से पहले एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा तुम ही लोगों से कि मैं यहाँ पे रिटर्न क्या कराऊँ। जनरली बाइनरी सर्च में तो मैं रिटर्न जो कराता हूँ वो एक इंडेक्स या एक नंबर, एक इंट इंटीजर रिटर्न कराता हूँ ना, बट यहाँ पे इस केस में मेरे को एक एरे रिटर्न करना है, मेरे को एक एरे रिटर्न करना है। तो एरे रिटर्न ना करने की बजाय पता, क्योंकि हमको पता है कि आंसर जो है ना कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस ही होगा, तो मैं ये कर देता हूँ कि फर्स्ट इंडेक्स ऑफ एरे, है ना, फर्स्ट इंडेक्स ऑफ एरे। जैसे कि अगर मेरा आंसर ये है, मान के चलो अगर इस केस में अगर मेरा आंसर ये आ रहा है, पता नहीं जो भी होगा, तो मैं यहाँ पे इसकी बस इंडेक्स रिटर्न कर दूँ और वेक्टर को स्लाइस कर दूँगा और मैं पूरा वेक्टर वो सब वेक्टर रिटर्न कर दूँगा, ठीक है। तो बस मेरे को ये इंडेक्स चाहिए, ये अली इंडेक्स जो एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट की है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये मैंने सबसे पहले रिटर्न क्या कराना है, जो मैंने टेम्पलेट में डिस्कस किया था कि मेरे को तीन चार चीज़ें डिसाइड करनी पड़ेगी टेम्पलेट में प्रेडिकेट निकालने से पहले। तो एक चीज़ तो क्या है कि रिटर्न क्या करना है, एक चीज़ है कि मेरे को एल और आर क्या रखना है। अब चूंकि मैं यहाँ पे एक इंडेक्स रिटर्न करा रहा हूँ, है ना, तो मेरा एल और आर, जो एल ज़ीरो और आर एरे ऑफ लेंथ नहीं है। एल ज़ीरो ठीक है, एल ज़ीरो बिल्कुल सही है, लेकिन आर एरे ऑफ लेंथ नहीं है क्योंकि मैं रिटर्न पता क्या करा रहा हूँ, एल प्लस के, एल से एल प्लस के। अब अगर मेरा एल ही एरे ऑफ साइज हो जाएगा तो मेरे को इंडेक्स वाला एरर, आउट ऑफ बाउंड्स वाला एरर नहीं आएगा यहाँ पे, है ना। तो मेरा आर पता क्या हो जाएगा, एरे डॉट साइज माइनस के, बस के माइनस कर दो, जैसे तुम जब रिटर्न कराओ तो जो इंडेक्स वाला एरर ना आए, क्योंकि बिल्कुल एंड में आ गया ना, तुम एल प्लस के करके रिटर्न करा सकते हो लास्ट के एलिमेंट्स, ठीक है। इस केस में जैसे कि यहाँ तक, यहाँ पे तुम सर्च तक यहाँ से शुरू कर सकते हो, यहाँ पे आर तुम्हारा आ सकता है और बिल्कुल एल लेफ्ट, बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ्ट में, क्योंकि तो अगर मान के चलो तुम्हारा यहाँ पे आउटपुट आया तो तुम एल प्लस के करके लास्ट तक रिटर्न करा सकते हो, आउट ऑफ बाउंड का एरर नहीं आएगा, बस एज सिंपल एज दैट। तो ये तो समझ में आ गया, ये चीज़ हमारी फिक्स हो गई है कि हमको रिटर्न क्या कराना है और हमारा एल और आर क्या होना चाहिए। अब मेन है हमको प्रेडिकेट डिसाइड करना। प्रेडिकेट डिसाइड करने से पहले मैंने जो अपना यहाँ पे डिस्कस किया था ना एग्जांपल, ये इसमें मैंने एक थंब रूल बना लेता हूँ, इसमें मैंने एक थंब रूल बनाया, वो जो एक ऑब्जर्व करी ना हमने चीज़ एक्स और ए आर आर ऑफ आई और ए आर आर ऑफ आई प्लस के। आई जस्ट एक आइटरेटर है, आई कुछ भी इंडेक्स हो सकती है, तो उसमें टेंशन मत लो। मैं बस ये बोल रहा हूँ यहाँ पे कि ध्यान से सुनना कि अगर 11 और 15 में से 13, 11 और 15 में से 13 जिसके क्लोज है वो वाला इंडेक्स चूज कर लो, अगर दोनों सेम है तो लेफ्ट वाला चूज कर लो। मतलब अगर यहाँ पे मैं वही बोल रहा हूँ, यहाँ पे अगर मान के चलो 8 होता तो 8 कैन नॉट बी द पार्ट ऑफ माय आउटपुट एरे, ठीक है। और मेरी ना जो शुरू हो रही है एरे वो 8 से ही होती है, मतलब यहाँ से जो आउटपुट शुरू हो रहा है ना मेरा, यहाँ पे मैं रिटर्न क्या करा रहा हूँ, फर्स्ट इंडेक्स रिटर्न करा रहा हूँ, ठीक है यहाँ पे। और इस केस में जैसे कि मेरा जो आउटपुट एरे अगर आता, मान के चलो अगर 11 होता तो मैं ये रिटर्न करा रहा हूँ, है ना, मैं ये इंडेक्स शुरू करा रहा हूँ, तो मैं ये डिसाइड कर रहा हूँ इस कंडीशन से कि x किसके क्लोज है। x अगर ए आर आर ऑफ i के क्लोज है तो दिस विल बी द पार्ट ऑफ माय एरे, दिस विल बी द इनिशियल पार्ट ऑफ माय एरे,
ये फर्स्ट इंडेक्स हो जाएगा, और अगर x ARR ऑफ i प्लस k क्लोज है, x अगर ARR ऑफ i प्लस k क्लोज है, तो ARR ऑफ i वोंट बी द फर्स्ट एलिमेंट इन माय आउटपुट एरे, एज सिंपल एज दैट। समझ रहे हो ना, अगर ये इससे ज़्यादा क्लोज है तो ये मेरा फर्स्ट एलिमेंट हो जाएगा। छोटे से एग्जांपल समझने का ट्राई करना, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो विंडो है ना वो विंडो 5 की रखी है, और ये तीन एलिमेंट फिक्स्ड हैं, बस मेरे को एक एलिमेंट और चाहिए, इसलिए ये फर्स्ट एलिमेंट होगा, है ना, क्योंकि ये तीन एलिमेंट्स तो फिक्स्ड हैं। अब अगर एक्स इसके ज़्यादा क्लोज है तो ये मेरा फर्स्ट एलिमेंट नहीं होगा, यही मेरा प्रेडिकेट है। ठीक है, मैं यही क्वेश्चन बार बार करूंगा हर आइट्रेशन में। अब यहाँ पे जो आई है ना, यहाँ पे आई है मेरा मिड, यहाँ पे जो आई है वो है मेरा मिड, जो मैं समझाने का ट्राई कर रहा हूँ यहाँ पे, कि मिड मिड क्यों है यहाँ पे, क्योंकि क्या हो रहा है ना, जब भी हम अपना टेम्पलेट सॉल्यूशन रन करते हैं तो जो मिड की इंडेक्स है इसी से तो खेलते हैं हम हमेशा, यही जो मिड की इंडेक्स है इसी से हम सारे अपने, इसी को हम प्रेडिकेट में पास करते हैं। अगर आपने प्रीवियस एग्जांपल्स देखे होंगे बाइनरी सर्च के, मेरे एक दो एग्जांपल देख लेना अगर नहीं देख रखे हो तो उसमें हम हमेशा प्रेडिकेट को मिड ही तो पास करते हैं, और मिड ही हमारा इटरेटर होता है, मिड ही से हमारा मैनिपुलेशन होता है। तो यहाँ पे एरे ऑफ आई इज इक्वल टू एरे ऑफ मिड, मतलब यहाँ पे आई मिड है। ठीक है, अब मान के चलो यहाँ पे मेरा आया मिड, मैं बिल्कुल एक एक करके अब ये प्रेडिकेट में ये चीज़ पास करके बताऊंगा और आपको समझाऊंगा कि प्रेडिकेट, अभी तो मैं वर्बली बोल रहा हूँ, फिर जब मैं इसको पूरा एट्रेट करके बता दूंगा फिर मैं इसको मैथमेटिकली लिखूंगा जिससे आपको इजीली समझ में आए। ठीक है, अभी मेरा के यहाँ पे क्या है, यहाँ पे के मेरा 4 है, के मेरा 4 है और एक्स मेरा 7 है, तो मैं क्या करूँगा, विंडो बना लूंगा 5 की, विंडो मैंने यहाँ से बनाई, मान के चलो मेरा आई मेरा मिड आया यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा मिड प्लस के, है ना, मिड प्लस के, और क्या है 7 मेरा टारगेट है यहाँ पे। अब 7 हो सकता है नहीं हो सकता है, बट यहाँ पे है तो समझाने के लिए मैंने यहाँ पे डाल रखा है इसको जिससे आपको इजीली समझ में आए। कई बार ऐसा हो सकता है वो ना हो, लेकिन अगर वो मैं नहीं डालूंगा ना थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे 7 को डाल दिया है। अब यहाँ पे मिड से मिड प्लस के, अब मेरे को कंपेरिजन करना है, ये मेरा एक्स है, एक्स किसके क्लोजर है, ये मेरा थंब रूल बनाया था यहाँ पे, ये मेरा जनरलाइज थंब रूल है, क्योंकि यहाँ पे मैंने बेसिक एग्जांपल बिल्कुल सिंप्लीफाइड एग्जांपल से समझ लिया मेरे को करना क्या है। अब यहाँ भी मेरे को वही करना है, अब मेरे को डिसाइड करना है कि क्या मेरा जो एरे ऑफ मिड है, कैन एरे ऑफ मिड बी द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ आउटपुट एरे। समझ रहे हो, तो अब यहां पे मैं देखूं एक्स किसके ज्यादा क्लोज है, मिड प्लस के क्लोज है ना, एक्स मिड प्लस के क्लोज है, तो ये तो नो हो जाएगा नहीं। ठीक है, अब मैंने विंडो साइज बढ़ाया, ठीक है मैंने विंडो साइज बढ़ाया, अब मैंने विंडो साइज मेरा मेरा मिड मान के चलो, मेरा मिड मान के चलो वो आया यहाँ पे, मैं एक करके जा रहा हूँ इसलिए मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ कि मिड कहीं भी आ रहा है, मिड कहीं भी आ सकता है, मैं इसको आइटरेटिवली बता रहा हूँ, अगर मेरा मिड यहाँ आया, अगर मेरा मिड यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया, जिससे आपको समझ में आए। ठीक है, अब मिड प्लस के क्या हो जाएगा, मिड प्लस के क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ तक आना चाहिए, ये मेरी विंडो है, ठीक है ये मेरी विंडो है 5 साइज की, और ये हो जाएगा मिड प्लस के, है ना, विच इज एक्स इज क्लोजर टू विच वन, मिड प्लस के और मिड, तो ये क्या ये हमारे एलिमेंट का फर्स्ट पार्ट हो सकता है, सॉरी क्या ये हमारे एरे का फर्स्ट एलिमेंट हो सकता है, आई एम सो सॉरी, नहीं हो सकता ना, तो इसको आगे बढ़ाओ। ठीक है, अब मैं फिर से यहाँ पे साइज बढ़ाऊंगा, ये मैंने कर दिया 5, अब एक्स और मिड प्लस के है ना एक साथ आ गए हैं और यहाँ पे मिड है, अभी एक्स किसके क्लोजर, अभी भी इसी के क्लोजर है, तो यहाँ पे नो आएगा, है ना, समझ रहे हो ना कि कैसे मैं ट्रेवर्स कर रहा हूँ, अभी एक्स मेरा फिक्स्ड है, मेरा बस मिड आगे बढ़ता जा रहा है यहाँ पे, अब मेरा मिड अगर यहाँ पे आया तो मेरा साइज क्या हो जाएगा, मतलब साइज तो फिक्स्ड है 5, तो मेरा मिड आएगा यहाँ पे और मिड प्लस के,
ठीक है, अभी एक्स किसके क्लोज है, इसके क्लोज है ना यहाँ पे, तो क्या ये पार्ट हो सकता है? नहीं, छोड़ो उसको। अब मैंने फिर से बढ़ाया इसको साइज़, अब मैंने क्या किया यहाँ पे, विंडोज़ का साइज़ हो गया मेरा 5। ये अब एक, अब ध्यान से सुनना, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आया मेरा मिड, यहाँ पे आया मेरा मिड प्लस के। एक्स इज क्लोजर टू विच वन? एक्स इज इक्वली क्लोजर टू बोथ ऑफ दीज। 5 से भी क्लोज है और 9 से भी क्लोज है, दोनों का डिफरेंस 2 है, तो मैं क्या चूज़ करूँ? ये चूज़ करूँगा ना, अभी इतनी देर से क्या समझा रहा था मैं यहाँ पे, कि इस एलिमेंट को चूज़ करूँगा ना मैं, अगर दोनों का डिफरेंस सेम है तो लेफ्ट वाले को चूज़ करूँगा, तो यहाँ पे मैं यस बोल दूंगा। क्यों? कैन दिस बी द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ माई एरे? यस इट कैन, है ना। अब मैं अगर मान के चलो मेरा मिड आ गया यहाँ पे, तो मेरा विंडो कैसा हो जाएगा? ये, और ये हो जाएगा मिड प्लस के। अब क्या यहाँ पे मेरा एक्स मिड से क्लोजर है? हाँ बिल्कुल क्लोजर है। इज इट क्लोजर देन दिस वन मिड प्लस के? एग्जैक्टली। तो कैन दिस बी अ एलिमेंट, कैन दिस बी अ एलिमेंट ऑफ माई फर्स्ट एलिमेंट ऑफ माई एरे? यस, है ना। अब जैसे मैं मिड को आगे बढ़ाता जाऊंगा, तो तुम ये चीज़ देखना कि ये जो मिड है ना, ये मिड प्लस के को आगे लेता जाएगा और ये भी आगे बढ़ता जाएगा, बट ये हमेशा से एक्स के क्लोज ही रहेगा। मतलब मान के चलो अगर मेरा मिड यहाँ पे आ गया ना समहाउ, मेरा मिड मान के चलो यहाँ भी आ गया मिड प्लस के, तो स्टिल मिड इज क्लोजर टू एक्स एंड मिड प्लस के इज फार्दर अवे, है ना। तुम जैसे ही आगे 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 जाते आओगे तो सब में यस 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 आता जाएगा, यस बोल सकते हो ना तुम, कैन दिस बी, अगर मेरे थम रूल के हिसाब से। बट इस केस में मेरा आंसर क्या है? इस केस में मेरा आंसर ये है, सॉरी 4 रिटर्न करना था ना, आई एम सो सॉरी। इस केस में मेरा आंसर ये है, ये 5 6 7 8, समझ रहे हो कि मैंने क्या किया यहाँ पे, कि जब मेरा पहला यस आया, जो मेरा प्रेडिकेट हमेशा यही रिटर्न करता है, इट रिटर्न्स द मिनिमम एक्स सच दैट पी ऑफ एक्स इज ट्रू, नो उस एक्स से कन्फ्यूज मत हो, इट रिटर्न्स द मिनिमम एक्स सच दैट पी ऑफ एक्स इज ट्रू, जो कि अगर तुमने पहले दो वीडियो में मैंने डिस्कस किया, ये चीज़ बार बार बोल रहा हूँ, मेरे को पहला यस मिल गया है, क्या यही मेरा आंसर है? यस दिस इज द आंसर। क्योंकि इसके बाद क्या हो रहा है ना, कि मेरा मिड दूर जाता जा रहा है और मिड प्लस के भी दूर जाता जा रहा है, और मेरे को ये लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट ही चाहिए, जो ए छोटा हो ना बी से, जो उनने बोला है कंडीशन में, ये चीज़ फुलफिल हो रही है, कि मेरा जो विंडो है उसमें मैं दो एक्सट्रीम एंड चूज कर सकता हूँ। जैसे कि अगर मेरा 5 6 7 8 9 है, तो अगर मैं इस विंडो में आया जैसे मैंने आपको बताया था कि दोनों में डिफरेंस सेम है, तो यहाँ पे अब मान के चलो यहाँ पे होता अगर 4.5, यहाँ पे अगर 4.5 होता है ना, तो इसको मिटा देता हूँ मैं, अगर यहाँ पे 4.5 होता, वैसे तो अलाउड नहीं है शायद, इंट ही अलाउड है, अगर 4.5 होता तो मेरा आंसर क्या होता? अभी एक्स किसके क्लोजर है यहाँ बताओ मेरे को, एक्स इज क्लोजर टू विच एलिमेंट? 9। तो यहाँ पे मैं कर देता पता नो, ये 4.5 नहीं हो सकता पार्ट, क्योंकि मेरे को 4 ही एलिमेंट चाहिए हैं और 4.5 और 9 में से 9 क्लोजेस्ट है, तो यहाँ पे नो आ जाता मेरा, तो मेरा जो आंसर होता ना फिर उस केस में 6 7 8 9 होता, समझ रहे हो। और यहाँ पे पहला यस आ चुका है मेरा, मेरे को पहला ही यस चाहिए, तुम समझ रहे हो क्यों कर रहा हूँ मैं बार बार, इतना बार बार क्यों बोल रहा हूँ ये यस यस बार बार क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को पहला यस चाहिए, और ये जो मिड है ना, और ये मिड प्लस के भी आगे आता जाएगा, मिड भी आगे जाता जाएगा, और वो एक्स से दूर होता जाएगा। अगर और एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कि जो एक्स है ना, अगर वो एलिमेंट प्रेजेंट है, एक्स अगर एलिमेंट प्रेजेंट है, तो एक्स शुड बी बिटवीन मिड एंड मिड प्लस के, बहुत ही कॉमन सेंस वाली बात है ना, बीच में ही होगा उन दोनों के, मिड प्लस के भी कोई बहुत दूर नहीं होगा, मिड भी बहुत दूर नहीं होगा, मिड और मिड प्लस के बीच में ही कहीं होगा, तो इट मेक्स सेंस,
बट यहाँ पे मेरे को पहला यस क्यों चाहिए समझ में आया कि अगर यहाँ पे 4.5 होता तो यहाँ पे नो हो जाता, क्योंकि 9 क्लोज़र है इसी एग्जांपल की हेल्प से। ठीक है, अभी मैं इसको जल्दी से बाइनरी सर्च के लैंग्वेज में भी समझा देता हूँ कि यहाँ पे क्या करना चाह रहा हूँ। बाइनरी सर्च में मैं जैसे रिजेक्ट करता हूँ ना, कि अगर मेरा मिड ये आ गया तो मैं लेफ़्ट हाफ रिजेक्ट कर दूँ या राइट हाफ, उस मामले में भी समझा देता हूँ कि ये कैसे है। और फिर उसके बाद मैं प्रेडिकेट लिखता हूँ कि मेरा प्रेडिकेट एट द एंड होगा क्या। ठीक है, तो उसको बाइनरी सर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि हम जो लेफ्ट हाफ राइट हाफ रिजेक्ट करते हैं ना, उसकी तरह समझने का ट्राई करते हैं। फिर वहाँ से हम प्रेडिकेट भी बना लेंगे। तो सबसे पहले तो ये हमारा टेम्पलेट सोल्यूशन है, इसमें हमारे पास एल है, आर है, जो कि हमने निकाल लिया है। हमको क्या रिटर्न करना है हमको वो भी पता है, और यहाँ पर प्रेडिकेट क्या है बस वो नहीं पता, बाकी टेम्पलेट सोल्यूशन पूरा का पूरा वैसा का वैसा ही है और वही यूज़ करूँगा मैं। ठीक है, कुछ चेंज नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर। अब ये मेरी एक थंब रूल मैंने जो बनाया था यहाँ पे, जो मेरी कंडीशन है यहाँ पे कि एक्स और एक्स मिड और मिड प्लस के डिस्टेंस को यहाँ पे मैं निकालता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखता हूँ कि कौन किसके क्लोज़ है, जैसे कि अगर एक्स मिड के ज़्यादा क्लोज़ है या मिड प्लस के ज़्यादा क्लोज़ है, यही कर रहा हूँ ना मैं इतनी देर से। तो मैं यहाँ पे मान के चलो मेरा आया मिड, अगर मेरा मिड यहाँ पे मैं लैंड करता हूँ तो यहाँ पे मेरा बकेट का साइज़ 5 होगा, है ना। 5 एलिमेंट्स कंसिडर करूँगा मैं, क्योंकि मेरे को दो में से कोई एक चूज़ करना है, इसमें से या इसमें से, है ना। ये तीन तो फिक्स्ड है जो कि हमेशा से बोलता आ रहा हूँ मैं। अब यहाँ पे मेरा एक्स ये है और मिड प्लस के भी यही हो जाएगा ना, प्लस 4 किया तो। अब एक्स किसके क्लोज़ है, मिड प्लस के कि मिड के? ऑब्वियसली मिड के, है ना। तो ये 3 तो नहीं आएगा हमारा एलिमेंट, 3 तो नहीं होगा ना, 3 कांट बी द पार्ट ऑफ दैट एरे। तो तुमको लगता है कि 1 और 2 होंगे? नहीं, यहाँ तो और ही दूर है ना मिड, ये ले दो, अगर मिड यहाँ और यहाँ होता ये तो और ही दूर होता, तो यहाँ पे कोई सर्च करने का पॉइंट ही नहीं है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा ना, लेफ्ट इक्वल टू मिड प्लस 1, मतलब मैंने लेफ्ट हाफ रिजेक्ट कर दिया, है ना। ये मैंने कब किया, वेन एक्स इज क्लोजर टू एरे ऑफ मिड प्लस के। समझ रहे हो ना कैसे बिल्डअप हो रहा है हमारा प्रेडिकेट, ये मैंने तब किया। अब यहाँ पे मान के चलो मेरा मिड आया यहाँ पे, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे आया, तो यहाँ पे मेरा बकेट का साइज़ क्या हो जाएगा, ये तो मेरा मिड ये है, इसको मिटा देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, मिड प्लस के। अब एक्स किसके क्लोज है, एक्स इसके क्लोज है ना, एक्स इसके क्लोज है, तो ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है, तो 6 कैन बी अ पार्ट ऑफ माई एलिमेंट। अब आने वाले सारे एलिमेंट ये कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे कि नहीं, ऑब्वियसली करेंगे, मतलब अगर मेरा मिड यहां होता तो भी एक्स इज क्लोजर टू मिड देन मिड प्लस के, क्योंकि मिड प्लस के और आगे जा चुका होता तब, समझ रहे हो। तो यहाँ पे सर्च करने का कोई पॉइंट ही नहीं, भी यहाँ पे तो मेरे को मिल ही रहा है वो वैल्यूज़, यहाँ पे तो मेरे को एरे मिल ही रहा है। मेरे को ये चेक करना है कि ये कंडीशन कहाँ ब्रेक हो रही है, जहाँ पे ब्रेक हुई, जहाँ पे जस्ट बिल्कुल उस पॉइंट पे आ गया जहाँ पे बस ब्रेक होने ही वाली, उसके बाद ब्रेक हो जाएगी, मेरे को वो पॉइंट चाहिए, है ना। तो मैं उसके लिए राइट जाऊँगा ना, मतलब उसके लिए मैं अपना राइट हाफ रिजेक्ट करूँगा, सॉरी राइट जाऊँगा नहीं, मैं उसके लिए राइट हाफ रिजेक्ट करूँगा, इसलिए मैं राइट इक्वल टू मिड कर रहा हूँ जब प्रेडिकेट ट्रू है। तो प्रेडिकेट ट्रू है मतलब व्हेन एक्स इज क्लोजर टू एरे ऑफ मिड, तो मैं यहाँ पे अपना प्रेडिकेट इन दोनों की हेल्प से लिख सकता हूँ। क्या है एरे ऑफ मिड एक्स माइनस एरे ऑफ मिड इज लेस देन और इक्वल टू एरे ऑफ मिड प्लस के माइनस एक्स। देखो ये दोनों का डिस्टेंस निकाला मैंने, ठीक है, और यहाँ पे ये दोनों का डिस्टेंस निकाला, क्योंकि एक्स से मैं चेक कर रहा हूँ ना कि क्या कितना क्लोज है, समझ रहे हो। यहाँ पे एक्स मिड से बड़ा होगा, इस केस में एक्स मिड से बड़ा होगा ये कंडीशन चेक करने के लिए, और मिड प्लस के से छोटा होगा। ये कंडीशन जब सेटिस्फाई हो जाएगी
तो मैं कह सकता हूँ जो एरे ऑफ मिड है ना, इट कैन बी द फर्स्ट एलिमेंट, समझ रहे हो ना? क्योंकि इससे मेरे को ये पता चल रहा है कि अगर ये छोटा होगा तो ये मिड से क्लोज होगा, और अगर नहीं हुआ तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। और अगर इक्वल हुआ, इक्वल हुआ तो मैं क्या कह सकता हूँ, इक्वल अगर हुआ तो भी मैं मिड ही चूज़ करूँगा, तब भी मैं यस आएगा ना मेरा, तो अगर इक्वल हुआ तब भी मैं मिड को ही चूज़ करूँगा, क्योंकि मिड छोटा है मिड प्लस के से, इंडेक्स वाइज ना, और वो एलिमेंट वाइज भी मेरे को वो बोला गया था कि ए लेस देन बी है, तो ए इज़ क्लोज़र, तो वही चीज़ है यहाँ पे, मिड क्लोज होगा एक्स के अगर इक्वल भी है तो। आई होप समझ में आया होगा ये प्रेडिकेट कैसे बना है, तो इसको जल्दी से कोड करते हैं, है ना? ठीक है, तो कोड करते हैं इसको। यहाँ पे सबसे पहले मैं एल को इनिशियलाइज़ कर देता हूँ, आर को इनिशियलाइज़ कर देता हूँ। आर क्या हो जाएगा, एरे डॉट साइज -1, सॉरी -1 नहीं, -k, है ना? अब यहाँ पे मैं वाइल लूप को इनिशियलाइज़ करूँगा, वाइल लूप को इनिशियलाइज़ करके मैं एल लेस देन आर रखूँगा। मैं अब यहाँ पे टेम्पलेट सोल्यूशन ही लिख रहा हूँ, ठीक है? अब यहाँ पे इंट एम आ जाएगा इज इक्वल टू एल प्लस आर माइनस एल डिवाइड बाई टू, एल डिवाइड बाई टू, ठीक है? अब यहाँ पे मेरे को प्रेडिकेट लिखना अपना, और वो प्रेडिकेट मैं एक लाइन का प्रेडिकेट है उसको लिख देता हूँ जो मैंने अभी डिफाइन किया है, एक्स माइनस ए आर आर ऑफ एम शुड बी लेस देन और इक्वल टू ए आर आर ऑफ एम प्लस के माइनस एक्स, और अगर ये ट्रू है तो राइट को एम कर दो, है ना? नहीं तो एल इक्वल टू एम प्लस वन, ये टेम्पलेट सोल्यूशन। रिटर्न क्या करना है मेरे को, रिटर्न करूँगा मैं एक वेक्टर रिटर्न करूँगा, ठीक है? वेक्टर इंट, और ये क्या होगा, स्लाइस्ड वेक्टर होगा ये, ए आर आर डॉट बिगेन। मेरे को एल तो मिल चुका है ना, तो मैं एल से शुरू करूँगा, ए आर आर डॉट बिगेन प्लस एल प्लस के, ठीक है? तो ये मेरे को मेरा वेक्टर रिटर्न कर देगा। अब इसको चला के देखते हैं। ठीक है, और ये हो गया सबमिट, है ना? तो आई होप समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आया है तो उसको दोबारा देखो और 1.5x में देख लेना। बट इसके पहले प्लीज़ मेक श्योर कि आपने जो फर्स्ट टू वीडियोज़ हैं वो अच्छे से समझ रखे हैं, और एक दो प्रॉब्लम भी देख लोगे तो अच्छा है, क्योंकि वो सिर्फ टेम्पलेट आपको और ईजिली समझ में आ जाएगा मैं क्या करना चाह रहा हूँ टेम्पलेट के थ्रू, क्योंकि ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। मतलब मेरे हिसाब से तो फर्स्ट टाइम क्लिक करना इट्स नॉट दैट ईजी, बट अगर आप काफ़ी प्रैक्टिस कर रखी है तो ये उतना डिफिकल्ट नहीं लगना चाहिए। बट नाउ दैट आई हैव एक्सप्लेन द इंट्यूशन एंड ऑल, आई होप इट विल बी ईजी टू अंडरस्टैंड, है ना? थैंक यू।